देखिए सीधी तस्वीर, मंच तैयार है। बस अब से कुछ ही देर में गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। 11 कैबिनेट, 4 राज्य मंत्री सभी मंत्री पद की शपथ लेंगे, यानी कि कुल 15 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिनमें से 11 जो हैं वो कैबिनेट हैं, 4 राज्य मंत्री पद की शपथ लेंगे। सीधे शरद क्या चल रहा है, तैयारी शुरू, मतलब कुछ ही पलों में? देखिए सईद, यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्यपाल जो हैं वो पधार रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्टेज पर बैठे हुए हैं। जो कांग्रेस आला कमान ने विस्तार की राजनीति राजस्थान की सियासत में किया है, क्या कांग्रेस के नेताओं के दिल में वो विस्तार हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए प्रियंका गांधी ने जो पहल की है, देखा जा सकता है कि राज्यपाल पहुंच गए हैं। नए शपथ लेने वाले नीचे, शपथ लेने वाले जो भी मंत्री हैं नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ पर गहलोत मंत्रिमंडल के पार्ट 2 का आगाज शुरू हो गया है। आप देखा जा सकता है कि यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। सचिन पायलट भी पधारे हैं, अजय माकन भी पधारे हैं। अब राष्ट्रगान किया जा रहा है। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हों। राष्ट्रगान। पुनः आग्रह के आप अपने स्थान। राष्ट्रगान के बाद अब यहाँ पर मुख्य सचिव महोदय श्री नरेंद्र नारायण साहब स्वागत, मंत्रियों के शपथ का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। मुख्य सचिव को बुलाया गया है और वरिष्ठता के क्रम के अनुसार सभी मंत्री यहाँ पर शपथ लेंगे। मंत्रीगण के शपथ ग्रहण से संबंधित कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह करता हूँ। शपथ ग्रहण शुरू हो रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय, मनोनीत माननीय मंत्रीगण को शपथ ग्रहण करवाएंगे। महिलाएं होंगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वे मनोनीत माननीय मंत्रीगण को राज्यपाल महोदय से शपथ ग्रहण करवाए जाने हेतु आमंत्रित करें। श्री हेमाराम चौधरी, देवराम चौधरी को बुलाया गया है शपथ ग्रहण के लिए। पहले राजस्व मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। गुड़ामालानी विधानसभा से विधायक है। मैं हेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचुतित या प्रकट नहीं करूंगा। ये हेमाराम चौधरी हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, पूर्व में राजस्थान सरकार में ये राजस्व मंत्री भी रह चुके हैं। और पायलट खेमे से हैं।
वरिष्ठता के क्रम से उन्हें सबसे पहले मंत्री पद की शपथ के लिए बुलाया गया है। 6 बार के विधायक वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी गुढ़ा मलानी से विधायक रहे हैं और अब एक बार फिर से वो इस विस्तार में या मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में मंत्री बने हैं। सबसे पहले उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है।